यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। मल्टीबैगर शेयर का इंतजार हर एक इन्वेस्टर को होता है। कुछ बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक जो है कोरोना पैंडेमिक के गिरावट के बाद निकल के आए हैं, उसी में से एक मल्टीबैगर शेयर इस वीडियो में हम भी लेकर आए हैं, जो की इन्वेस्टर के 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट को 920 लाख रुपीज बना दिया है 2020 मार्च के गिरावट के बाद। और ये स्टॉक है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर मार्च 2020 के गिरावट में, तो इसका जो शेयर प्राइस था वो 12 रुपीज 13 रुपीज के आसपास था। वहाँ से छोड़िए, अगर आप इसे 15 रुपीज पे भी बाय किए रहते तो वहाँ से इस स्टॉक ने हाई बनाया 436 रुपीज का। और कुल इस तरह से यहाँ पर जो टोटल रिटर्न होता है इस स्टॉक का 2891% का। और इस तरह से 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है उस पे 2800 के रिटर्न के साथ टोटल जो रिटर्न प्राप्त हुआ 28 लाख का। तो इस तरह से 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 29 लाख। इस तरह से 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है उस पे टोटल जो रिटर्न हो गया 29 लाख का, और जिस पे कुल प्रॉफिट 28 लाख का। ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर आपको ढूंढने हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट से आप एक बड़ा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चैनल से जुड़ जाइए। अगर हम एक्सपो इंडिया की बात में, तो एक कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 486 करोड़ का है, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0 है। कंपनी का अगर प्रमोटर्स होल्डिंग 50% है, जिसमें से 15% शेयर प्लेज है, तो यहां पर देखिए 15% शेयर प्लेज है, तो ऐसे शेयर को मैं बार-बार अवॉइड करने बोलता हूं। तो ये यहां पर बहुत बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। ऐसे शेयर में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप कंपनी के मैनेजमेंट को पर्सनली जानते हैं। साथ ही साथ बात करें डेट इक्विटी का 1.50 है, तो डेट इक्विटी अगर 2 से कम है तो ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है 135 करोड़ का है, जबकि रिजर्व है 78 करोड़ का, तो कंपनी अपने रिजर्व से डेट पे करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और नेट प्रॉफिट इसका एनुअल देख लीजिए 26 करोड़ का है। और अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो प्रॉफिट में देखिए जबरदस्त ग्रोथ है। कंपनी 2017 तक लॉस में थी, 2018 में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 2019 में 2 करोड़ का, 2020 में 0, फिर यहां से कंपनी 2021 में बेहतरीन जंप करती है 8 करोड़ प्रॉफिट के साथ। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो नेट प्रॉफिट यहां पर निकल कर रहा है 26 करोड़ का। यहां प्रॉफिट जंप होने के साथ साथ मार्केट में एक बुल रैली है, तो बुल रैली में जो है गधे शेयर्स जो होते हैं वो भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे देंगे, लेकिन जो फंडामेंटली काफी सॉलिड है वो स्टॉक उस गिरावट में, जो बुल रैली के बाद गिरावट होगा उसमें भी वो बना रहेगा हायर प्राइस लेवल पे। तो बुल रैली के कारण ये स्टॉक ने इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही शेयर आपको बुल रैली में ढूंढने हैं जो कि आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे। तो अभी स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और अभी आपको सिर्फ लार्ज कैप के साथ अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट के ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा।